हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ब्लॉग जो है अब यहीं से अब शुरू होने वाला है। मम्मी रेडी हो चुकी हैं हल्दी में जाने के लिए, और ये हल्दी अपने घर का है तो इसमें जाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और अनिवार्य के साथ साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लड्डू की आज्ञा पीछे शायद लग रहा है, तो चलिए दिखाते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मम्मी का लुक भी दिखा देते हैं। और कैसा लगा ये पूरा वीडियो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो गाइस ये है आपका फाइनल लुक जो है अभी मम्मी आज लगाए हैं बड़ा बिंदी। तो गाइस कहते हैं ना, अगर कपड़ा अगर अच्छे से पहनने पे जो है वो आदमी का पता चल जाता है कि वो मालदार पार्टी है कि नहीं। नहीं, कपड़ा को थोड़ा सा अच्छे से पहनना चाहिए, कम दाम हो या चाहे ज्यादा दाम हो। थोड़ा ये लिपस्टिक का है, अलग अलग लग रहा है। दूसरा लिपस्टिक लगाया दूसरा का मैंने रेड लगाते हैं तो इस बार पर्पल कलर का लगाए हैं। और ये बिंदी का ऐसे लगाई है इतना बड़का बड़का, आज मन किया था बड़ा बिंदी। चलिए गाइस अब हमको भी लेट नहीं हो रहा है, मौसी लोगों से मिलवाते हैं। मेरी मौसी लोग बहुत मस्त है, देखता हूँ तब तड़ाक तड़ाक बोलता है। चार मोहन है, चार एक जैसे है लो, हम लोग और किसी से डरते नहीं है लोग। कार न तो मिलाएंगे आप लोग को और उन लोग का बात सुनिएगा आप लोग। चलिए गाइस अभी ये बताइए कि मम्मी का जो साड़ी है ये कैसा लग रहा है, और ये सबसे अच्छा माला, और उसके बाद से वीडियो को लेके चलते हैं आगे। अब हमको लेट हो रहा है गाइस, अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं मस्त बाइक पे, धूप है इसलिए जा रहे हैं लोग, साड़ी ओढ़ के जाना पड़ेगा। और अब दिखाएंगे मौसी लोगों से, ठीक है चलिए मिलवाते हैं। और गाइस यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं मिठाई, ताकि वहाँ जाने के बाद से सब लोगों का मुंह मीठा करा दे मम्मी अपने तरफ से। प्रणाम मौसी। प्रणाम गुड़िया दीदी, खुश रहो बाबू, ऐसे खुश रहो मामा जी। दे जल्दी कहां से हाथ से प्रणाम करो, इसको तुम बोल देना एक जगह बैठेगी बॉस, मेरे ही साथ रहेगी। अरे भाभी आई हैं, प्रणाम भाभी, याद है मेरे शादी में ये रूम में ताला बंद है इसी में भाई। मेरी बड़की मौसी है, तो गाइज ये हैं गुड़िया दीदी। और कोई भी शुभ काम यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं, मौसी बैठी हुई हैं, और जितने भी गाने वाले मतलब बजाने वाले थे वो सब लोग भी आए थे। ये मेरी भांजी है, और कोई भी शुभ काम के लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, तो ये है हल्दी, ये सिलोड़ा और हल्दी का काम होता है, तेल सेंदूर, चाहे वो शादी हो या घर भोज हो। हाँ। तो हल्दी मम्मी हम लोग क्यों यूज करते हैं, हल्दी शुभ होता है इसलिए हल्दी को कूटा जाता है। जब तक हल्दी नहीं कुटाता है, नेवता वगैरह नहीं बटाता है, और ये यहाँ पे सब लोग गाना बजा रहे थे मतलब भक्ति गीत, हाँ दुर्गा जी का और शंकर भगवान का, और हल्दी का गीत होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे दीदी का पोता है सिक्की मालिक, और तेल लगाया जा रहा है सिर पे, तो अब सिंदूर लगाएंगी, दीदी लगा रही हैं आराम से, अपने पूजा की हैं भगवान को, और यहाँ सिंदूर पहले लगाया जा रहा है पत्थर को, इसलिए ये शुभ माना जाता है। सिलवट लोढ़ा नया खरीद के आया था, इन लोग तो सिक्किम में रहते हैं, तो एक एक करके सब विधि हो रहा था और लोढ़ा को भी टीका गया। तो गाइस अभी टाइम था मतलब 4:25 पे जो है शुभ मुहूर्त था, तो हम लोग क्या होता है कि यहाँ पे बिना शुभ मुहूर्त का मतलब हम लोग यूज नहीं करते हैं आगे आगे, और कोई भी नहीं करता होगा,
लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पान का पत्ता भी रखा हुआ है जिसपे एक चढ़ाना था। और क्या है कि हम लोग भगवान को भी मंदिर में पान का सैली का न्योता देते हैं कार्ड के साथ, तो पहले हम भगवान को नाम लेकर अपने कुल देवता को घर में चढ़ाए हैं, चढ़ा दी हैं दीदी, उसके बाद यहाँ पे आई हैं तो भगवान का नाम लेकर यहाँ सब लगा रहे हैं। मेरी बड़ी बहन है जिनको गुल्लू वाली साड़ी वाली, और ये सिक्किम वाली दीदी है जो उन्हीं का घर है। और यहाँ पे मम्मी काफ़ी खुश थी और खूब मस्ती में बजा रही थी झाल भाई। हमको तो अच्छा और यहाँ लगता पे सिंदूर लगाया जा रहा है। ये दीदी का घर इधर नहीं बना था, बिहार में ही है, माझी का। लगभग कितना साल हो गया मम्मी सिक्किम में? सिक्किम में इनका तो हमको लग रहा है कि जब शादी नहीं हुआ था उसके पहले से 50 साल से ऊपर से है लो सिक्किम में, और सबका जन्म कर्म वहीं का है। और पूरा नेपाली आता है, इनको एक एक चीज बोल सकती हैं। वहाँ का नागरिकता भी इन लोग को मिला है, वहाँ का सब कुछ, इन लोग का पासपोर्ट वगैरह सब कुछ वहाँ का बना है, एथी बना है, लाइसेंस सब बना है वहाँ का। तो और गाइस ये सिंदूर तो आप लोग को पता ही होगा, तो पीला सिंदूर लगाया जाता है और नाक से लगाया जाता है। हम लोग को सब शुभ काम में नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। हम सोचे थे कि सारे लोग खूब पीला साड़ी पहन के आएंगे, इसलिए हम भी पीला साड़ी पहन के चले गए थे। तो ये गुड़िया है, इसी का मम्मी का घर है, और ये भाभी है इसकी छोटी मिंटू भाभी, और ये हम हैं यहाँ पे। हमको भी सिंदूर लगाया। मैं सुहागन बनूं हाथ जन्मों का, पता नहीं क्या है गाना। हमारा फिल्टर लगा दे परी आई था क्या जी को आप देख सकते हैं ये मेरी दादी लगेंगे, मौसी लगेंगे। और गाइस यहाँ पे मौसी का जो डांस आता है, मौसी को सिर्फ गोल 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 घूमेंगी घूमेंगी घूमते रहेंगी घूमते रहेंगी। और अब वक्त हो चुका है आप लोगों को दिखाने का कि यहाँ पे भाभी है मेरी, देखिए फिर से मौसी गोल गोल घूमना लगेंगी और इनका डांस देखिए भाई साहब। अभी तो ये कुछ नहीं है, हल्दी के बाद अलग ही नज़ारा होगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। और ये झाल बजा रहा है पहली बार, और हल्दी के लिए सब लोग हैं तैयार। अब जो है हल्दी का रस्म का जो टाइम था वो स्टार्ट मतलब हो गया था, तो बिना देरी के, क्योंकि कोई भी बिना शुभ का टाइम का अगर शुरू करते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो जैसे ही टाइम हुआ तो मौसी, ये मेरी मौसी है, ये दूसरी वाली मौसी, और एक मौसी नहीं आई है, थोड़ा उनका सर में दर्द था। यहाँ पे मम्मी बैठ गई हैं और हल्दी का सबसे पहले मम्मी कर रही हैं, यानी कि पप्पू पिया जो है उनकी मम्मी है, वो सिक्किम वाली मौसी। और हल्दी का जो रस्म का जितना भी काम है वो शुरू हो चुका है, और ये रहा इसका।